विद्यार्थियों वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक पेनोरमा के 9th चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडे की स्टडी करेंगे। द लास्ट लेसन सन 1870 की एक घटना के बारे में बताता है जब बीस्मार्क के नेतृत्व में तत्कालीन प्रशिया की सेना ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया था। प्रशिया के नए शासन ने फ्रांस के दो जिलों अल्सास और लोरेन में फ्रेंच भाषा पढ़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। फ्रेंच भाषा के अध्यापकों को वहाँ से चले जाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया। इस कारण से फ्रेंच भाषा के एक अध्यापक एम हेमल अब अपनी पुरानी स्कूल में नहीं रुक सकते थे। फिर भी एम हेमल ने विद्यार्थियों को अपना लास्ट लेसन पूरी तन्मयता और गंभीरता से पढ़ाया। इस कहानी के नरेटर हैं लिटिल फ्रेंच। आइए फ्रेंच के शब्दों में कहानी का सारांश देखते हैं। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ था। मुझे उस दिन हमारे फ्रेंच भाषा के टीचर एम हेमल से डांट पड़ने का डर था, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे और मुझे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस दिन मौसम अत्यंत सुहावना था और एक बार मैंने स्कूल से बंक मार जाने का और बाहर घूमने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर स्वयं को नियंत्रित करते हुए मैं स्कूल की ओर चल दिया। रास्ते में टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ इकट्ठा थी। इस बुलेटिन बोर्ड से पिछले दो वर्षों से लगातार बुरे समाचार ही प्राप्त हो रहे थे। फ्रांस द्वारा युद्ध हार जाने की खबर हो, सेना में भर्ती संबंधी खबर हो, आदि आदि सभी इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त हो रहे थे। उस दिन पता नहीं कौन सा बुरा समाचार इस बुलेटिन बोर्ड पर टंगा था। मैं तेजी से चलते हुए हाँफते हुए स्कूल पहुंच गया। आमतौर पर स्कूल शुरू होने पर विद्यार्थियों के अपनी सीट्स पर बैठने, मेज़ें खोलने बंद करने, लेसन्स को ज़ोर ज़ोर से दोहराने और टीचर्स के मेज को खटखटाने आदि के कारण खूब शोरगुल हुआ करता था, परंतु उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे रविवार की सुबह हो। खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को अपने अपने स्थानों पर बैठे देखा और टीचर एम हेमल को अपने लोहे के खतरनाक स्केल को बगल में दबाए हुए क्लास में टहलते हुए देखा। मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। मैं बहुत डरा हुआ था और शर्मिंदा था, लेकिन जैसे ही एम हेमल ने मुझे देखा, उन्होंने अत्यंत दयालुतापूर्वक मुझे अपनी जगह जाकर बैठ जाने को कहा। एम हेमल उस दिन अपने सुंदर हरे कोट, झालरदार शर्ट और काली सिल्क की टोपी में थे जिस पर कारीगरी की हुई थी। जो पोशाक उन्होंने उस दिन पहन रखी थी वो केवल विशेष अवसरों पर वो पहना करते थे, जैसे इंस्पेक्शन वाला दिन हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिन हो, तभी वो इस पोशाक को पहना करते थे। इसके अलावा उस दिन पूरे विद्यालय का वातावरण बड़ा विचित्र और गंभीर लग रहा था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि क्लास की पीछे की बेंच जो हमेशा खाली रहा करती थी, उन बेंचेस पर आज गांव के कुछ प्रमुख लोग आकर बैठे हुए थे। अपना तिकोना टोप पहने हुए बूढ़े होजर, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और अनेक अन्य गणमान्य लोग वहां दिखाई दे रहे थे। सभी बड़े दुखी जान पड़ते थे। बूढ़े होजर अपनी पुरानी बाल पोथी लेकर आए थे जो किनारों से पेज उलटने पलटने के कारण मुड़ी हुई थी। इसी बीच एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और गंभीर और विनम्र आवाज में सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज यह मेरा अंतिम पाठ है जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। अल्सास और लोरेंस की स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है,
प्रशिया की सरकार से आ गया है। कल से नए टीचर यहाँ आ जाएंगे और आप लोगों का ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ इसे पढ़ेंगे। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे, ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी हो। उन दुष्ट लोगों ने बुलेटिन बोर्ड पर यही समाचार लगा रखा था। उस फ्रेंच भाषा का, जिसको अभी बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, आज अंतिम पाठ था। अब मैं आगे कभी फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाऊँगा। हाय, मैं अपने पाठ याद नहीं करके कभी पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाया करता था, कभी सार पर फिसलने में संलग्न रहा। मेरी पुस्तकें जो मुझे इससे पहले बोझिल लगा करती थी, उस दिन पुरानी मित्र लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। एम हेमल, जो मुझे इससे पहले डरावने और सनकी टीचर लगते थे, उस दिन अत्यंत प्रिय लग रहे थे। अब मैं समझ गया था कि टीचर ने उस दिन नए कपड़े क्यों पहन रखे थे और गांव के लोग पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे थे। वे दुखी थे कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए, फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए। वे एम हेमल की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद कहने और अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करने, जो अब उनका नहीं रह गया था, जिस पर प्रशिया का अधिकार हो गया था, उस दिन वहाँ आए थे। तभी टीचर ने मेरा नाम पुकारा, मुझे पार्टिसिपल के बारे में बताना था, लेकिन मैं शुरू में ही उलझ गया और मेरा दिल धड़कने लगा। श्री हेमल ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि हम सोचते थे कि हमारे पास काफ़ी समय है, हम सीख लेंगे, हम आज नहीं तो इसे कल सीख लेंगे, लेकिन अब देख लो, अब अलसास के लोगों से बाहरी लोग आकर पूछेंगे कि तुम लोग फ्रांसीसी होने का नाटक करते थे लेकिन तुम्हें ढंग से अपनी भाषा लिखनी नहीं आती, तुम्हें ढंग से अपनी भाषा बोलनी नहीं आती, परंतु नन्हे फ्रेंड्स, केवल तुम ही जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे माता पिता भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। तुम्हारे माता पिता कभी कभी स्कूल समय में तुम्हें काम पर भेज देते थे ताकि उनके लिए तुम कुछ कमा कर ला सको। मैं खुद तुम्हें कभी कभी स्कूल के समय, क्लास के समय फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, और कभी कभी मैं खुद भी किसी कारणवश छुट्टी ले लिया करता था, इसलिए हम सभी जिम्मेदार हैं। एम हेमल ने आगे कहा कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत, और हमें इसे सुरक्षित रखना है। गुलाम देश के लोगों के पास यदि अपनी भाषा का अच्छा ज्ञान हो तो वो उस चाबी की तरह से है जो गुलामी के ताले को खोल सकती है। उस दिन एम हेमल इसके बाद फ्रेंच ग्रामर पढ़ाने लगे। वो पाठ उस दिन कितना सरल, कितना सरस लग रहा था। उस दिन सब कुछ कितना स्पष्ट समझ में आ रहा था। उस दिन मैं कितने ध्यान से सुन रहा था, उस दिन सर कितने धैर्य से समझा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे जाने से पहले अपना सारा ज्ञान एक ही पाठ में हमें दे देना चाहते थे, अपनी सारी जानकारी हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे। व्याकरण के बाद हमारा लिखित अभ्यास प्रारंभ हुआ। श्री हेमल ने सबको नई कॉपियां बांटी जिस पर हाथ से लिखा था, फ्रांस अलसास, फ्रांस अलसास। सब मन से अपने लेखन कार्य में व्यस्त हो गए। कमरे में एक शांति छा गई। सिर्फ कागज़ पर पेनों के रगड़ की आवाज़ें आ रही थी, या कभी कोई कीट पतंग, कोई भृंग उड़कर अंदर आ जाए तो उसकी आवाज़ आ रही थी। छत पर कबूतरों के गुटरगू की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या प्रशिया वाले उन्हें भी जर्मन भाषा में गुटरगू करने हैं तो मजबूर करेंगे। हेमल इस दौरान अपनी कुर्सी पर बैठे कक्षा की प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार निहार रहे थे जैसे उन्हें वे सदैव के लिए अपनी स्मृतियों में अंकित कर लेना चाहते थे। 40 वर्षों से वे इस विद्यालय में थे। इस दौरान अनेक परिवर्तन उन्होंने देखे थे। ऊपर
छत पर उनकी बहन संदूकों में सामान पैक कर रही थी। उस दिन उनका हृदय टूट रहा होगा क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था, लेकिन उन्होंने उस दिन के अध्यापन को तन्मयता से पूरा करवाया। लेखन के पश्चात इतिहास का पाठ हुआ, फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से 12 खड़ी बोली। बूढ़े हुजर भी चश्मा लगाकर अपनी बाल पोथी से बा बे बी आदि बोल रहे थे। हम देख सकते थे कि वो रो रहे थे, भावुकतावश उनकी आवाज़ कांप रही थी, और उनको सुनना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी। ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, फिर एंगेलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौट कर आते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन भावुकतावश उनका गला अवरुद्ध हो गया, वो बोल नहीं पाए। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पूरी ताकत से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लीव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे टिका लिया, और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, हम सब घर जा सकते हैं। तो हमने इस पाठ का हिंदी में सारांश देखा, आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। आई वॉज द नरेटर स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग। नरेटर उस दिन सुबह विद्यालय जाने से क्यों डर रहा था? हम जानते हैं नरेटर फ्रेंड्स को उसके टीचर एम हैमल ने पार्टिसिपल का पार्ट तैयार करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और दूसरा कारण था कि फ्रेंच को उस दिन स्कूल जाने के लिए लेट हो गई थी, और इन दो कारणों से उसको लगा कि आज उसे स्कूल में डांट पड़ेगी, इसलिए वो स्कूल जाने से डरा हुआ था। एक प्रश्न है, वाई डिड मिस्टर हैमल से दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। मिस्टर हैमल ने क्यों कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था? हमने इस अध्याय में पढ़ा कि प्रशिया की सरकार नहीं चाहती थी कि फ्रांस के दो जिलों अलसास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाए। तो बर्लिन से एक आदेश आ गया था कि अलसास और लोरेन इन दो जिलों में से सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और यहाँ फ्रेंच भाषा का अध्यापन नहीं होगा, और फ्रेंच भाषा के टीचर्स को यहाँ से जाना होगा। इसीलिए श्रीमान हैमल ने ऐसा कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था। एक प्रश्न है, हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हैमल चेंज। फ्रेंच का मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में अपना एटीट्यूड, अपनी भावनाएं किस प्रकार से बदल गई? हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा कि पहले फ्रेंच अपने टीचर की बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता था, वो उसका मन जो है वो फ्रेंच भाषा सीखने में नहीं लगता था, और इधर उधर के कामों में वो ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन जब उसे पता चला कि अब वो आगे फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा और यह उसका आज अंतिम पाठ है, तो अचानक उसका जो रवैया था, उसका जो एटीट्यूड था अपने टीचर के प्रति और अपनी बुक्स के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, पूरी तरह से चेंज हो गया। वो अपने टीचर्स का बड़ा सम्मान करने लग गया, उसे ग्रामर भी बड़े अच्छे से समझ में आने लगी, वो ध्यान से सुनने लग गया, उसे अपनी किताबें अच्छी लगने लगी, और उसको लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की कि उसने इतने दिनों तक इस बारे में ध्यान नहीं दिया। एक अन्य प्रश्न बनता है, इट वॉज द डे ऑफ सरप्राइज फॉर फ्रेंच, वॉट सरप्राइजेज ही नोटिस्ड एट स्कूल दैट डे। यह फ्रेंच के लिए एक सरप्राइज होने का दिन था, आश्चर्यचकित होने का दिन था, तो विद्यालय में उसने उस दिन क्या क्या आश्चर्यजनक घटनाएं देखी। हमने देखा कि फ्रेंच
उस दिन अपने विद्यालय देरी से पहुंचा था। लेकिन जब वह विद्यालय पहुंचा, तो उसको विद्यालय अत्यंत शांत नज़र आया। हमेशा नहीं तो विद्यालय के अंदर तरह तरह का शोरगुल होता रहता है। विद्यार्थी आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वो अपने स्थानों पर बैठ रहे होते हैं, मेज़ खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अध्यापक जो हैं अपना डंडा जो है वो मेज़ों पे बजा रहे होते हैं। लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने देखा कि आज विद्यालय अत्यंत शांत है। ऐसा लग रहा था जैसे रविवार की सुबह हो। और साथ ही जब वो अपने कक्षा में बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके टीचर जो हैं एम हेमल, वो अपनी उस पोशाक में थे जो वो विशेष अवसरों पर पहना करते थे। और साथ ही पीछे की बेंच पर, ये सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक था उसके लिए, कि पीछे की बेंच पर गांव के लोग दुखी अवस्था में बैठे थे, जिसमें कई गांव के कई गणमान्य लोग थे। वो बड़े शांत थे, दुखी थे। और ये सब चीज़ें और अपने टीचर का व्यवहार भी, उसके प्रति चेंज उसे लगा, तो ये सब उसके लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर में बनता है वो है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण करें, उनका कैरेक्टर स्केच बताएं। हमने देखा इस लेसन के अंदर कि मिस्टर एम हेमल अल्सोस के एक विद्यालय के अंदर फ्रेंच भाषा के अध्यापक हैं। और हमने देखा कि फ्रेंच के शब्दों में ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हेमल जो हैं वो एक कठोर अध्यापक थे। वो हाथ में एक डंडा रखते थे और बच्चों को कठोरतापूर्वक पढ़ाते थे। और लेकिन धीरे धीरे हमें इसमें पता चलता है कि मिस्टर हेमल जो थे वो एक सच्चे और समर्पित अध्यापक थे। वो अपनी फ्रेंच भाषा के प्रति समर्पित थे। वो उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर और तार्किक भाषा है। वो अपने काम के प्रति समर्पित थे। और उस दिन उनका अंतिम पाठ जो उन्होंने पढ़ाया, वो भी उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी गंभीरतापूर्वक उन्होंने पढ़ाया और अंतिम क्षण तक वो पढ़ाते रहे। साथ ही हमें पता चलता है कि अनुशासन पसंद थे और भावुक थे। जब लेसन को समाप्त करने का समय आया तो वो कुछ भी कह नहीं पाए, उनका गला अवरुद्ध हो गया। और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने जब वो कुछ कह नहीं पाए तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद, वीव ला फ्रांस, ये उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा। और साथ ही उन्होंने अपने विद्यालय को जिस प्रकार से बाग बगीचों से और अच्छा सजा रखा था, तो ऐसा लगता है कि वो एक प्रकृति प्रेमी भी थे। और उन्होंने कुल मिलाकर एक उत्तम चरित्र के, एक एक्सेलेंट कैरेक्टर के व्यक्ति मिस्टर एम हेमल यहाँ पे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से वो एक कंप्लीट, एक परफेक्ट टीचर के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। आपको ये वीडियो लेसन भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।